वो पांव जमाने की बातें कह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पांव फिसल गया है उनका। जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष उस पार्टी को छोड़ करके चला जाए, जिस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी पार्टी को छोड़ करके चले जाए, उस पार्टी का यहां कोई भविष्य नहीं है। और जहां तक पिछले कल की जो घोषणा है, वो लंबे समय से हमारी डिस्कशन हुई पड़ी थी पार्टी के सब साथियों के साथ भी, और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी सरकार के नाते ये चीजें जो हमने की है, उससे और ज्यादा हमारी जो भूमिका है समाज के प्रति, जो हमारा दृष्टिकोण हमारा उनकी सेवा करने का है, वो मजबूत होता है। उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं, मैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी सत्ता में तो आने वाले नहीं है। इसलिए जहां है जिस रूप में है वो वहीं बने रहे जिस तरह से है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमने जो भी काम किया है जिम्मेवारी के साथ किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे इस कदर जो है वो खराब परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन मार्गदर्शकों का है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो इस हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व आने के पश्चात लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कुल मिलाकर के सब एकजुट होकर के इस मिशन रिपीट के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे जिम्मे जो भूमिका है हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर सत्ता में लाने का, जो भी मुझसे बन पाएगा एक कार्यकर्ता के नाते उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं, मैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी सत्ता में तो आने वाले नहीं है। इसलिए जहां है जिस रूप में है वो वहीं बने रहे जिस तरह से है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमने जो भी काम किया है जिम्मेवारी के साथ किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे इस कदर जो है वो खराब परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन मार्गदर्शकों का है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो इस हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व आने के पश्चात लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कुल मिलाकर के सब एकजुट होकर के इस मिशन रिपीट के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे जिम्मे जो भूमिका है हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर सत्ता में लाने का, जो भी मुझसे बन पाएगा एक कार्यकर्ता के नाते उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। उनको इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन में, जिसमें ये दो चीजें जिनका आपने जिक्र किया, हेलीपैड और ट्रांसपोर्ट नगर, ये दोनों चीजों की शुरुआत होने से इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। और खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, हम सब अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे आज कि उनको और गति देने की कोशिश करें, ताकि तेजी से विकास की गति यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में मिल सके।